बूंदी जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा ने जिले में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति और एहतियाती उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि आमजन कोविड 19 से घबराए नहीं, लेकिन इसको गंभीरता से जरूर लें। सभी लोग सतर्क रहें और संक्रमण का कोई भी लक्षण नजर आने पर इसकी सूचना दें, जिससे समय पर इलाज कर रोगी को ठीक किया जा सके। संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने व सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा संक्रमित रोगी मिलने के बाद ट्रेसिंग पर अधिक फोकस रहे। जिला कारागृह में अधिक आयु के व्यक्तियों की रैंडम सैंपलिंग कराई जाए। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा इंतजामों के बारे में अवगत कराया। बैठक में प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर साहब ने मुझे पूरा बताया है, क्योंकि मैंने 30 तारीख को भी एक बार मीटिंग ली थी वीसी से, तो मुझे नहीं पता था कि फिजिकली भी आना पड़ेगा मीटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से ये अपना बेस्ट जो है यहाँ पर कर रहे हैं, आपके सभी ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर, है ना। और आई थिंक इनका बहुत सिस्टमैटिक एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सब टेस्ट कर रहे हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट जो है वो सभी आम जनता के लोगों से कि इसको कोविड जो है उससे घबराएं नहीं, बट इसको सीरियसली ज़रूर लें, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, घर में कोई भी सिम्टम हो तो अब हम रिक्वेस्ट करें कलेक्टर साहब से कि कोई फ़ोन लाइन या कोई इस तरह से कलेक्टर साहब अवेलेबल करा सकें, जिसमें लोग जो हैं बता सकें कि हम अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं।